तो हेलो एंड वेलकम टॉक्सिक मार्वल यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं टीवी स्पोर्ट के हिडन डिटेल्स के बारे में, जो कि इंडिया में रिलीज नहीं हुआ था। तो हम बताने वाले हैं आपने इसमें क्या मिस किया, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज, अमेरिका चेवस और क्रिस्टीन तीनों वहां पर खड़े हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, पर नोटिस करने वाली बात यह है कि उस दरवाजे पर डॉक्टर स्ट्रेंज की घड़ी लगी हुई है, जो कि उन्हें जान से भी ज्यादा प्यारी थी। और ये दरवाजा खुलने के बाद वो घड़ी वहां से गायब हो जाती है। तो शायद डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी कोई नायाब चीज सेक्रीफाइस करनी पड़ी होगी इस दरवाजे को खोलने के लिए, वैसे ही जैसे थेनोस ने गमोरा को सेक्रीफाइस कर दिया सोल स्टोन के लिए। और अगली डिटेल ये है, डॉक्टर स्ट्रेंज ने आई ऑफ अगामोटो काफी ऊपर बांध रखा है और उसमें टाइम स्टोन भी नहीं है, फिर भी वो यूज हो रहा है पर अलग तरीके से। पहले जब वो यूज होता था उसके आजू बाजू कोई भी रिंग नहीं बनती थी, पर इस वाले सीन में इसे यूज करते हुए एक रिंग बन रही है और वो रिंग काफी हद तक उस पोर्टल जैसे लग रही है जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज ट्रेवल करने के लिए यूज करते हैं। तो अब चलते हैं अगली डिटेल पर। तो जिस मॉन्स्टर से डिफेंडर स्ट्रेंज बच रहा था और उसी मॉन्स्टर ने अमेरिका चेवस को भी पकड़ रखा था, पर उस मॉन्स्टर के ऊपर कुछ आई ऑफ अगामोटो जैसा कुछ छपा हुआ है। तो ये मॉन्स्टर भी शायद डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से ही आया होगा, वैसे ही जैसे काफी सारे आए हैं। फिर हम देखते हैं स्कारलेट विच को और उसके पास कुछ क्रिस्टल टाइप है जो काफी हद तक वैसा लग रहा है जैसा डॉक्टर स्ट्रेंज ने फर्स्ट टाइम स्टोन का यूज करते हुए बनाया था। और हमें बैकग्राउंड में कुछ ऐसा दिख रहा है जैसा कि डॉक्टर स्ट्रेंज बनाता है डिफेंस के लिए, जहां तक ये सीन होगा कमरताज का, जहां सब डिफेंस के लिए तैयार खड़े हैं। और इस सीन में मोर्डो डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर हमला करता है एलुमिनाटी के टावर में, लेकिन पीछे जो मेंबर्स के लिए चेयर पड़ी है उनमें तीन चेयर के बाद एक चेयर की जगह खाली है और उसके बाद पांचवी चेयर लगी है। तो आप ही सोचो एमसीयू में ऐसा कौन होगा जो अपने पैरों से नहीं चल सकता, उसको एक सेपरेट चेयर की जरूरत रहती है हमेशा। अगर आपको पता चल जाए तो मुझे भी कमेंट में जरूर बता देना। तो इसके बाद आती है अगली डिटेल। तो अमेरिका चेवस की फाइट चल रही है किसी से, तो जो ये पीछे दीवार दिख रही है ना, ये एग्जैक्ट मैच होता है डार्क होल की बुक से, तो ये शायद डार्क होल का टेंपल होगा। तो अगली डिटेल है कि डिफेंडर स्ट्रेंज ही ज़ॉम्बी स्ट्रेंज है। हाँ रुको रुको, यही नहीं, तो डिटेल ये है कि पहले तो ज़ॉम्बी स्ट्रेंज की उंगलियां कटी हुई है, जो कि हमें उस सीन की याद दिला देती है जब डॉक्टर स्ट्रेंज का बहुत बुरी तरह कार एक्सीडेंट हुआ और उनकी सारी उंगलियां फ्रैक्चर हो गई थी और जिसके कारण वो स्ट्रेंज बने हैं। और एक डिटेल ये भी है कि जो ज़ॉम्बी स्ट्रेंज के मुंह पर ये तीन निशान दिख रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि वुल्वरीन ने इसके चेहरे पर मारा है। और वैसे भी सबसे ज्यादा र्यूमर यही चल रहे हैं कि वुल्वरीन भी इस मूवी में होना चाहिए। तो अगले सीन में हमें एक अलग सी जगह बताई जाती है। तो आप सोच रहे होंगे ये वही पहाड़ है जहां डॉक्टर स्ट्रेंज अपने आप को अजमाने गए थे, पर ऐसा नहीं है। मेन डिटेल तो वो साइट में है, क्योंकि देखने से तो डार्क होल टेंपल लग रहा है जिसमें अमेरिका चेवस की फाइट हो रही है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको और डिटेल याद है तो प्लीज कमेंट कर देना।